पोएट्री इन बॉलीवुड जानना है तो आज की नहीं पुरानी बॉलीवुड की हिस्ट्री उठानी पड़ेगी। आज वाली बॉलीवुड में पोएट्री नहीं मिलेगी। पोएट्री का मतलब होता है काव्य, जिसको हम कहते हैं ना शायरी। शायरी कहते हैं कि यार एक शायरी सुनाओ ना, है ना, तो एक शायरी सुनाओ ये नहीं होता है, है ना। या ये उसी तरह है जैसे आप कहो कि यार एक पानी देना हो ही नहीं सकता ना। पानी का मीटर जो है वो ग्लास है या बॉटल है या टब है या बाल्टी है या टैंकर है पूरा का पूरा, है ना। तो इस तरह से उसको मीटर में डालना पड़ता है। पानी इज अनकाउंटेबल नाउन है। पानी को काउंट नहीं कर सकते, उसको मीटर में डाल दो तो फिर आप नाप सकते हो, कंटेनर में डाल दो तो नाप सकते हो, माप सकते हो, ठीक है। पोएट्री में फिलॉसफी होती है। पोएट्री के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, आप नोट कीजिएगा। पोएट्री का मतलब होता है काव्य। काव्य यानी पूरा का पूरा ग्रंथ है एक तरह से ये। इसमें फिलॉसफी आती है, फलसफा आता है, इसमें साइकोलॉजी आती है, मनोविज्ञान आता है ना। ये सारी चीजें इसमें आती हैं, इसमें जिंदगी आती है, लाइफ के बारे में होते हैं इसमें, एक्सपीरियंसेस आते हैं, अनुभव होता है इसमें, इसमें नसीहतें आती हैं। नसीहत माने किसी को एडवाइस देना, किसी को कोई चीज़ सिखाना। तो पोएट्री में होते हैं एक्सप्रेशंस, ये भी एक पॉइंट आता है। पहला आया फिलॉसफी, दूसरा आया साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, मन का विज्ञान उसमें हमें सीखने को मिलता है, जानने को मिलता है पोएट्री में। पोएट्री इज नॉट जस्ट अबाउट हुस्न, गर्ल्स, प्यार, मोहब्बत, सिर्फ इस बारे में नहीं होती है पोएट्री। जहाँ तक आम जन की बुद्धि सीमित है, मैं उसकी ही बात कर रहा हूँ, कि आम इंसान पोएट्री का मतलब सिर्फ इतना समझता है शराब और शबाब। लाइव वीडियो कॉल क्लासेस, मॉर्निंग वोकल रियाज सेशंस, रिकॉर्डेड क्लासेस, सब कुछ अवेलेबल है संगीत धरा SPW ऐप पर। अभी डाउनलोड कीजिए, एंड्रॉयड, iOS और डेस्कटॉप तीनों पे अवेलेबल है। डाउनलोड कीजिए और घर बैठे सीखिए। पोएट्री का जब भी जिक्र आता है तो खुद ब खुद उर्दू हमारे जहन में आ जाती है, है ना। जहाँ भी पोएट्री की, ये गुलजार की लिखी हुई एक देखिए नज्म है कितनी प्यारी, कि ऐसी उलझी नज़र उनसे हटती नहीं, दांत से रेशमी डोर कटती नहीं, उम्र कब की बरस के सफ़ेद हो गई, कारी बदरी जवानी की छटती नहीं, वल्ला ये धड़कन बढ़ने लगी है, चेहरे की रंगत उड़ने लगी है, डर लगता है तन्हा सोने में जी, दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी, किसको पता था पहलू में रखा, दिल ऐसा पाजी भी होगा, हम तो हमेशा समझते थे कोई हम जैसा हाजी ही होगा, हाय जोर करें कितना शोर करें, बेवजह बातों पे ऐवें ही गौर करें, दिल सा कोई कमीना नहीं, कोई तो रोके कोई तो टोके, इस उम्र में अब खाओगे धोखे, डर लगता है इश्क करने में जी, ऐसी उदासी बैठी है दिल पे, हंसने से घबरा रहे हैं, सारी जवानी खतरा के काटी पीढ़ी में टकरा रहे हैं, दिल धड़कता है तो ऐसे लगता है वो आ रहा है, यही देखता ही न हो प्रेम की मारें कतार रहे, तौबा ये लम्हे कटते नहीं क्यों, आँखें से मेरी हटते नहीं क्यों, डर लगता है मुझसे कहने में जी। तो आप देखिए कितनी पोएटिक भाषा है ये पूरी की पूरी। ऐसा नहीं कि कोई से भी शब्दों का इस्तेमाल हो गया है और कुछ भी उलझुलूल शब्द हैं या उलझुलूल लाइन बोली गई है, कुछ ऑफेंसिव कुछ नहीं बोला, जितना बोला कितना पोएटिक बोला सारी, क्योंकि भाषा उर्दू है ना, जहां उर्दू है जहां पोएट्री है वहां अशुद्धता, वहां अपमान हो ही नहीं सकता, है ना। हमें सिर्फ यहां गानों को एज अ ये नहीं देखना है कि चलो एंटरटेनमेंट, नहीं, हम यहां सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, एक वर्ड आप सभी को दूंगा, आप नोट कीजिएगा, ये साइकोलॉजिकल वर्ड है जिसे कहते हैं इन्फोटेनमेंट। अपनी अपनी कॉपी पेन लीजिए आप जितने लोग हैं और सब इस वर्ड को लिखिए। तो आज मैं कुछ ऐसी बातें आपको बताऊंगा जो पोएट्री से रिलेटेड हैं, जिससे मेरे ख्याल से प्यार, मोहब्बत, इश्क, इन सबको देखने का नज़रिया आप सबका बदलेगा। सिर्फ लड़का लड़की तक सीमित नहीं रहेगा और सिर्फ रोमांटिक सॉन्ग्स को आप गीतों में ही नहीं उड़ा देंगे, वहाँ पोएट्री को समझेंगे, वहाँ साहित्य लिटरेचर को समझेंगे, ठीक है। तो अपना कैमरा ऑन कीजिए और ये वर्ड लिखिए मेरे सामने, मुझे दिखना चाहिए लिखते हुए लोग, इन्फोटेनमेंट। ये वर्ड बना है दो वर्ड से, एंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन का लिया है इन्फो और एंटरटेनमेंट का लिया है टेनमेंट। तो INFOTAINMENT, इन्फोटेनमेंट ये वर्ड है। इसका मतलब होता है जिस चीज़ से आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है और एंटरटेनमेंट भी मिल रहा है। तो इस तरह से हमें संगीत को सीखना है कि एंटरटेन तो करना, अपने को मनोरंजन तो होना चाहिए पर साथ ही साथ शिक्षा भी उससे हमको लेनी है, ठीक है। क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं आप सभी के फेवरेट टॉपिक पर, शेरो शायरी में किसको दिलचस्पी नहीं होती है। शेरो शायरी में हम सभी को दिलचस्पी है, अच्छी पोइट्री सुनना, अच्छी पोइट्री पढ़ना,
ये इस तरफ हमारा रुझान होता ही होता है, मगर क्या है, गलत पोइट्री हम पढ़ते हैं, हम सही पोइट्री नहीं पढ़ते। जब भी हमारे जहन में पोइट्री की बात आती है, क्योंकि आज पोइट्री पे बात करनी है, तो हम उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, बनस्पत की संगीत के सवाल नहीं, संगीत में उसका कैसा उतरता है रुझान वो हम ज़रूर देखेंगे, पर पहले पोइट्री पर ही बात करेंगे। जब जब पोइट्री का जिक्र आता है, अजीबोगरीब शेर हमारे दिमाग में आते हैं। जैसे सबसे फेमस शेर जो हमारे जहन में आएगा वो यूं होगा कि शीशी भरी गुलाब की पत्थर से तोड़ दूं, सोनम तेरे प्यार में मैं जीना छोड़ दूं। इस प्रकार की पोइट्री जो है हमारे जहन में सबसे पहले आती है, इसे हम पोइट्री समझते हैं। जबकि ये पोइट्री का मतलब सिर्फ राइम मिलाना, मीटर में आना, उसे ही नहीं कहते हैं। पोइट्री इज नॉट जस्ट अबाउट राइमिंग, कि जैसे लास्ट में आया ना छोड़ दूं, है ना, या तोड़ दूं, तो ये क्या हुआ, काफिया मिल गया, रदीफ मिल गया, राइम मिल गई, तो हमें लगा जहां राइम मिल रही है वो तो पोएट्री है, है ना। इस प्रकार से तो ये भी पोएट्री हुई कि मैं यहां बैठा हूं सिखा रहा हूं आपको, मैं यहां बैठा हूं सिखा रहा हूं आपको, आप लोग बैठे हैं यहां सीख रहे हैं मुझसे, ये भी पोएट्री हो गई। फिर तो थोड़ा सा पोएटिक वे में बोल दिया, थोड़ा सा रिदम में बोल दिया, ये भी पोएट्री हो गई, है ना। पर ऐसे को पोएट्री नहीं कहते हैं, पोएट्री में फिलॉसफी होती है। पोएट्री के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आप नोट कीजिएगा। पोएट्री का मतलब होता है काव्य, काव्य यानी पूरा का पूरा ग्रंथ है एक तरह से ये। इसमें फिलॉसफी आती है, फलसफा आता है, इसमें साइकोलॉजी आती है, मनोविज्ञान आता है, है ना, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। इसमें ज़िंदगी आती है, लाइफ, लाइफ के बारे में होते हैं इसमें, एक्सपीरियंसेस आते हैं, अनुभव होता है इसमें, इसमें नसीहतें आती हैं। नसीहत माने किसी को एडवाइस देना, किसी को कोई चीज़ सिखाना, है ना। तो पोएट्री के अंदर अंदर क्या क्या आता है, मैंने क्या क्या बताया अभी। सबसे पहला आता है फ़लसफ़ा यानी फ़िलासफ़ी, ज़िंदगी को जीने की जो फ़िलासफ़ी होती है ना लोगों की, कि हमेशा आशावादी रहो, ऑप्टिमिज्म बनाए रखो, कोई बात नहीं, यकीन तोड़ो मत अपना, भरोसा बनाए रखो लोगों पर, है ना, या धोखा न धोखा देना, ज़िंदगी को कैसे जीना कैसे न जीना, इस सब की नसीहतें, इस सब की सलाह हमें पोएट्री से मिलती है, है ना। दर्द का, एक्सप्रेशंस का बयां हमें पोएट्री में मिलता है, तो पोएट्री में होते हैं एक्सप्रेशंस, ये भी एक पॉइंट आता है। पहला आया फिलॉसफी, दूसरा आया साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, मन का विज्ञान उसमें हमें सीखने को मिलता है, जानने को मिलता है पोएट्री में। पोएट्री इज नॉट जस्ट अबाउट हुस्न, गर्ल्स, प्यार, मोहब्बत, सिर्फ इस बारे में नहीं होती है पोएट्री। जहां तक आम जन की बुद्धि सीमित है, मैं उसकी ही बात कर रहा हूं, कि आम इंसान पोएट्री का मतलब सिर्फ इतना समझता है शराब और शबाब, शबाब यानी हुस्न और शराब यानी जो आप समझते ही हैं, है ना। तो रसपान या सिर्फ हुस्न तक सीमित नहीं है पोएट्री, पोएट्री को वहां तक न रखें। क्योंकि आज हमारे बॉलीवुड में, क्योंकि टॉपिक यही है ना, पोएट्री इन बॉलीवुड, तो उसकी ही बात करूंगा मैं। डिमीन नहीं कर रहा हूं किसी को भी, मैं ये नहीं कहूंगा कि बॉलीवुड में लोग काम अच्छा नहीं कर रहे हैं, मगर हाँ ये जरूर हो गया है कि पोएट्री का स्तर बहुत गिर चुका है, है ना। और ये खुद पोएट्री, ये खुद बॉलीवुड के राइटर्स, लिरिसिस्ट ये खुद अग्री करेंगे, ये लोग मानते हैं कि पोएट्री का स्तर कितना वो वहाँ डाउन हो चुका है, डिग्रेड हो चुका है। और इसका सीधा इल्ज़ाम हमारे पर है, जनता के ऊपर है, समाज के ऊपर है। आप उन पर इल्ज़ाम नहीं डाल सकते कि बॉलीवुड में अच्छी पोएट्री नहीं हो रही है, बॉलीवुड में अच्छा सिनेमा नहीं बन रहा है, है ना। हम बॉलीवुड को ही, यू नो, वी लुक अप टू बॉलीवुड, तो हम ये नहीं कह सकते यार कैसे गाने बन रहे हैं आजकल। जैसे गाने हम सुन रहे हैं वैसे गाने बन रहे हैं। आप सुनना बंद कर दीजिए, वो गाने बनना बंद हो जाएंगे, क्योंकि आप बॉयकॉट करेंगे, आप सुनेंगे नहीं, तो वो बनाएंगे किसके लिए, है कि नहीं। अगर आप कहते हैं कि यार ये कैसा अश्लील गाना है चिकनी चमेली, या ये कैसे फर्जी या फजूल लिरिक्स हैं मुन्नी बदनाम हुई, है ना, अगर आप इनको नहीं सुनना चाहते, आप पसंद नहीं करना चाहते, आप कह रहे हैं कि यार ये कैसा गाना हुआ नाच मेरी रानी, या ये क्या शब्द हुए कि कोको कोला तू, है ना, ये कैसे शब्द हैं। अगर आपको इनसे तकलीफ है, अगर आपको ये खराब लग रहे हैं, तो इनके खिलाफत कीजिए, बॉयकॉट कीजिए इनको, आप सुनना बंद कीजिए, गाने बंद बनना बंद हो जाएंगे। लोगों को इतनी तकलीफ हो रही है कि अरे यार रीमेक क्यों बना रहे हो, लता जी के इतने अच्छे गाने, किशोर दा के इतने अच्छे गाने, उनको आप रीमेक क्यों कर रहे हो, दोबारा बना के उनको खराब क्यों कर रहे हो। अगर इतनी तकलीफ है तो उन गानों पर मिलियन व्यूज क्यों आ रहे हैं फिर, बताइए मुझे। और वो हम ही जैसे लोग हैं, हम ही बदलाव ला सकते हैं और कोई नहीं लाएगा। आपको क्या लग रहा है कि वो अपने आप गाना बनाना बंद कर देंगे। बहुत बड़ी कंपनी है टी सीरीज, मैं उनका नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि यू नो वो अभी इंडिया में टॉप लेवल की कंपनी वही है, म्यूजिक लेबल। उन लोगों की गलती नहीं है कि वो दोबारा उन्हीं गानों को बनाए जा रहे हैं, रिपीट करते जा रहे हैं, रीमेक करते जा रहे हैं, नहीं, जनता सुनना चाहती है। उनका काम क्या है, प्रोडक्शन, कमर्शियल, पैसा कमाना,
है ना, अच्छा सिनेमा अच्छा संगीत देना तो उनका काम है ही है, वो तो उनका फर्ज है, मगर एक ये भी तो है ना भैया, पैसा भी तो कमाना है, रोटी तो उनको भी चलानी है अपनी, तो रोटी कैसे चल रही है, ऐसे गाने बना रहे हैं, जो चल रहा है जो मार्केट में चलता है वैसा चलाएंगे, है कि नहीं? तो मार्केट अगर चाहता है कि वो गाने वहां से हट जाएं, तो आप डिमांड कीजिए, और जैसी आपकी डिमांड होती है वैसा सिनेमा भी बन रहा है। जब हमने ये डिमांड करी कि नहीं यार ये नहीं चाहिए हमको, उल जुलूल फर्जी नहीं चाहिए, तो अच्छे गाने भी बने। ए आर रहमान अवेलेबल हैं, इरशाद कामिल आज भी लिख रहे हैं, मनोद मुंतशिर वो आज भी लिख रहे हैं, उनकी नज़में उर्दू आज भी जिंदा है, अच्छी भाषा आज भी जिंदा है, लेकिन कम, और कम इसीलिए है क्योंकि कम सुनने वाले हैं। सुनने वालों की जैसे ही तादाद बढ़ेगी, लिखने वालों की तादाद बढ़ जाएगी। आप अपने शौक तो सुधारिए, समाज अपने आप सुधर जाएगा, है ना? तो नज़र नज़ारा अगर बदलना है तो थोड़े नज़रिए बदलने पड़ेंगे हमें, है ना? ये एक वाक्य आप समझ सकते हैं इसको, कि नज़ारा अगर बदलना है, कि जो चीज़ सीन चल रहा है अगर वो बदलना है, तो कुछ नज़रिए बदलने होंगे, है ना? हमारे नज़रिए हमें शुद्धता की तरफ ले जाने होंगे, अच्छी पोइट्री की तरफ ले जाने होंगे। तो पोइट्री जब मेरे जहन में नाम आता है, तो मेरे जहन में पहला नाम आता है रेख्ता। आप सब लोग नोट कीजिए, REKHTA, रेख्ता। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है दिल्ली में, मैं कोई, उन्होंने मेरे को स्पॉन्सर नहीं कर रखा हुआ, मैं अपनी तरफ से ही बता रहा हूँ उनके बारे में आप सभी को, क्योंकि मैंने उनसे सीखा है, बहुत सीखा है उनकी वेबसाइट से, उनके ऑर्गेनाइजेशन से, और उससे आप सभी का तारुफ मैं कराऊंगा। तो रेख्ता एक्चुअली में किसे कहते हैं, पहले तो रेख्ता शब्द लिखिए, इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है। रेख्ता मतलब होता है बिखरा हुआ, स्कैटर्ड, जो सेटल्ड नहीं है, फिक्स नहीं है, है ना, एक अरेंज्ड नहीं है, ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, उसे कहते हैं रेख्ता। और साथ ही साथ इसका दूसरा मीनिंग होता है, रेख्ता एक भाषा है, जिस प्रकार से हिंदी एक भाषा है, जिस प्रकार से अंग्रेजी, इंग्लिश, फ्रेंच ये एक भाषा है, उसी प्रकार से रेख्ता उर्दू से पहले की भाषा है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हिंदी का जो जन्म हुआ है वो संस्कृत से हुआ है, संस्कृत हमारी सर्वप्रथम भाषा है, संस्कृत ही हर भाषा की जननी है, कोई सी भी भाषा का कोई सा भी शब्द निकला है तो संस्कृत से निकला है। उसी तरह से रेख्ता पर्शियन यानी अरबिक, है ना, अरबिक अरबी जो भाषा है, पर्शियन जो भाषा है, मिडल ईस्ट की जो भाषा है, वो जो भाषा है और हमारी हिंदी जो है, उसको मिला के रेख्ता बनी, और रेख्ता का ही सुधरा हुआ रूप है उर्दू, जिसे हम आज बोलते हैं। उर्दू कोई मुश्किल भाषा नहीं है, हमें लगता है यार उर्दू मतलब आती ही तो वो साइन लैंग्वेज आ जाती है, कि वो डॉट लगा है ऊपर, वो लाइनें बनी हुई हैं, स्क्रिप्ट हमें पढ़नी नहीं आती, है ना, तो हमें लगता है यार उर्दू तो बड़ी अजीबोगरीब भाषा है, मगर ऐसा नहीं है, उर्दू हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बोलते हैं। और सबसे पहला पॉइंट मैं उर्दू पे बात करने से पहले ही बता दूं कि भाषा का मजहब से या धर्म से कोई ताल्लुक नहीं होता है। तो जो भी ये सोचे कि उर्दू मुसलमानों की भाषा है, इस्लाम की भाषा है, तो प्लीज़ वो अपने इस नज़रिए को सुधार ले, है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदी ये तो हिंदुओं की भाषा है, अंग्रेजी ये तो अंग्रेजों की भाषा है, नहीं, भाषा का सिर्फ एक ही मतलब होता है, कम्युनिकेशन, वार्तालाप, विचारों का आदान प्रदान, इतना सा मतलब है भाषा का। मेरे मन में कुछ चल रहा है, मुझे आपको कुछ बताना है, आप जो भाषा बोलते होंगे और जो मैं भाषा बोलता हूंगा अगर कॉमन हुई तो विचारों का आदान प्रदान हो जाएगा। एक अंग्रेज को अगर मुझे बोलना है कि भैया एक गिलास पानी पिला दे, तो मैं ऐसे नहीं बोल सकता इस भाषा में, बोलूंगा वो कहेगा हैं क्या बोल रहे हो भैया, है ना। तो अगर आपको उसको पूछना है तो आपको क्या पूछना होगा, आई वुड लाइक टू ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर, आप उसको ये बोलोगे तो वो आपको एक ग्लास पानी पिलाएगा, है ना। अगर उसे आपसे पीना है, पूछना है पानी के लिए, तो वो हिंदी में बात करे, या तो आपको अंग्रेजी आती हो, है ना, आप सभी लोगों को हिंदी आती है, मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, आप सबसे वार्तालाप हो रहा है मेरा, अभी मैं चाइनीज बोलने लग जाऊँ किसी को कुछ समझ नहीं आएगा, है ना, तो वाली बात है। कि तो भाषा का सिर्फ इतना सा मतलब है, विचारों का आदान प्रदान, कम्युनिकेशन होना चाहिए, भाषा का धर्म जात इससे तवके से किसी से इंसान से किसी से कोई लेना देना नहीं है, तो प्लीज़ उसको ना जोड़ें। और उर्दू पे बात कर रहा हूँ मैं, तो उर्दू कैसे बनी, रेख्ता से, रेख्ता को सुधार के ही, उसमें ही उसको समेट के, जैसा कि मैंने बोला रेख्ता मतलब बिखरा हुआ, तो उसे संजो के, समेट के, फिक्स करके, उसका ग्रामर बना के बनाई गई उर्दू। अब एक शब्द लिखिए, नस्तलिक, NASTALIQ, ये तो अंग्रेजी में हो गया, हिंदी में न आधा स पूरा त ल उस पर छोटी ई की मात्रा क और क के नीचे लगाइए बिंदी, जिसको हम कहते हैं नुक्ता, ठीक है, नस्तलिक। नस्तलिक जो है वो स्क्रिप्ट है, जिसे हम लिपि कहते हैं हिंदी में। हिंदी की लिपि क्या है, कौन बताएगा, चैट बॉक्स में लिख के बताइए मुझे। हिंदी तो भाषा है, हिंदी इज अ लैंग्वेज, हिंदी की लिपि क्या है, स्क्रिप्ट।
देवनागरी, बहुत बढ़िया। आज जो मैं चीजें बता रहा हूँ ये एक आम इंसान को भी सीखने की जरूरत है, भले वो नॉन म्यूजिशियन है ना, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट लैंग्वेज। लैंग्वेज इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट, इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर लाइफ एंड सोशलाइज। अगर हम करना चाहते हैं लोगों से तो लैंग्वेज हमारी अच्छी होनी चाहिए। भाषा में अगर मजबूती है तो फिर आप किसी से भी कैसा भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, है ना। वरना भाषा नहीं आती है तो कॉन्फिडेंस नहीं आता, हमें लगता है यार कैसे बोलूं, अंग्रेज से बात करने में हम हिचकिचाएंगे कि यार क्या बोलूं यार, ये तो मेरी भाषा ही नहीं समझेगा, मैं बोलूंगा तो ये तो थोड़ी तकलीफ हो जाएगी, है ना। तो भाषा क्या है, कम्युनिकेशन का माध्यम है, आपको कॉन्फिडेंस देती है अगर भाषा पे आपकी मजबूती है। तो नस्तलिक यानी न आधा स पूरा त छोटा ली और क उसके नीचे लगाए नुक्ता, उसका मतलब होता है ये है उर्दू की स्क्रिप्ट। उर्दू की जो स्क्रिप्ट है जिसको हम ऐसे देखते हैं ना कि वो ऐसे गोले गोले बने हैं, डॉट बना हुआ है, है ना, तो हमारे लिए तो वो काला अक्षर भैंस बराबर हो जाता है कि ये क्या लिखा हुआ है, हमें समझ नहीं आ रहा है, है ना। तो उसको कहते हैं नस्तलिक, जैसे कि हिंदी की लिपि है देवनागरी, ठीक है। जिन जिनको पढ़ना आता है वो नस्तलिक, वो तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। स्क्रिप्ट को रस्म उल खत ये भी कहते हैं, रस्म उल खत ये भी कहा जाता है उस। यहां से हम शुरू कर रहे हैं, पोएट्री पर ही आएंगे, क्योंकि पोएट्री का मतलब होता है काव्य, जिसको हम कहते हैं ना शायरी। शायरी कहते हैं कि यार एक शायरी सुनाओ ना, है ना, तो एक शायरी सुनाओ ये नहीं होता है, है ना। या ये उसी तरह है जैसे आप कहो कि यार एक पानी देना, एक पानी देना हो ही नहीं सकता ना। पानी का मीटर जो है वो ग्लास है या बॉटल है या टब है या बाल्टी है या टैंकर है पूरा का पूरा, है ना। तो इस तरह से उसको मीटर में डालना पड़ता है। पानी इज इनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन है, पानी को काउंट नहीं कर सकते। उसको मीटर में डाल दो तो फिर आप नाप सकते हो, कंटेनर में डाल दो तो नाप सकते हो, माप सकते हो, ठीक है। उसी तरह से उर्दू या शायरी की अगर बात करें तो शायरी जो है उसे उसका अंग्रेजी अनुवाद कहेंगे पोइट्री, और पोइट्री का हिंदी ट्रांसलेशन है शायरी। तो शायरी के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अब शायरी यानी पोइट्री, पोइट्री के अंदर क्या क्या आता है नोट कीजिए। सबसे पहले आएगी एक गज़ल, ग ज और ल, ये तीन हिंदी के अक्षर हैं, लिख लीजिए। और ग के नीचे बिंदी लगाएंगे तो नुक्ता, ज के नीचे बिंदी लगाएंगे तो नुक्ता, तो ग ज ल, ये हो गया। देखिए पोइट्री का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि सिर्फ उर्दू में होती है, पोइट्री हर भाषा में हो सकती है। पोइट्री मतलब काव्य, जैसे पोइट्री है उसी तरह से प्रोज होता है, प्रोज मतलब गद्य, है ना, यानी पैराग्राफ लिखे होते हैं जैसे, ठीक है। गद्य मतलब प्रोज, और पद्य यानी कविता। हिंदी में हमने बचपन में सभी ने गद्य पद्य पढ़े होंगे, तो पद्य मतलब पोइट्री हो जाती है। पोइट्री को उर्दू में शायरी कहते हैं, पोइट्री को हिंदी में काव्य कहेंगे, है ना, कविता नहीं कहेंगे। ये नहीं कहेंगे कि मैं कविता, एक कविता उसके अंदर आ जाती है, जैसे कि उर्दू कविता जो है वो गजल है, उसी तरह से हिंदी कविता कविता है, है ना। तो काव्य अपने आप में एक पूरा सब्जेक्ट है, उसी तरह से शायरी पोइट्री अपने आप में पूरा एक सब्जेक्ट है, उसके अंदर बहुत सारी सारी चीज़ें आती हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये बूढ़े जवान बच्चे सभी के लिए है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम लोगों को नहीं मालूम है कि म्यूज़िक से कैसे कनेक्ट होता है। ये जान लीजिए कि म्यूज़िक में, संगीत में साहित्य एक पिलर है, स्तंभ है। संगीत बगैर साहित्य के निरर्थक है, कुछ भी नहीं है, है ना। संगीत के अंदर साहित्य भी आता है, अध्यात्म भी आता है, और संगीत तो है ही है, साथ में फिलॉसफी, साइकोलॉजी, हर सब्जेक्ट संगीत के अंदर आता है, है ना। गाने ही तो गाते हो, गाने क्या हैं, पोइट्री हैं। पोइट्री नहीं समझोगे तो गाओगे क्या। तो पहले पोइट्री को समझो, फिर पोइट्री इन बॉलीवुड तक पहुंचेंगे, ठीक है। तो क्या बताया कि पोइट्री एक कैटेगरी है, एक सब्जेक्ट है अपने आप में, इंग्लिश का एक पार्ट है, उसी तरह से हर भाषा में एक पार्ट है पोइट्री। उसके अंदर आती हैं कविताएं, नज़में, गज़लें, शेर। तो उर्दू पोइट्री में क्या आता है, सबसे पहले गजल, उसके बाद आती है नज्म, उसके बाद आते हैं शेर, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपने नहीं सुनी होंगी, जैसे कि कितआ, क उस पे नुक्ता लगाइए छोटा क, फिर त बनाइए और आ लिखिए, कितआ कहते हैं इसे। मरसिया एक चीज होती है। ये सारी चीजें आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा, पर हाँ इनके नाम लिख लीजिए कि उर्दू पोइट्री में क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे कि इंग्लिश पोइट्री में क्या क्या चीजें आती है। पोएम आती है, सोनेट आती है, जिन जिन ने लिटरेचर पढ़ा होगा वो जानते हैं कि अंग्रेजी साहित्य में पोएम होती है, सोनेट होती है एक, है ना, और भी ओड होती है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, इंग्लिश लिटरेचर की पोइट्री में आती है। उसी तरह से उर्दू लिटरेचर की पोइट्री में क्या क्या आता है, गज़ल, नज़्म, क़िता, मरसिया, शेर, है ना, और आप नोट कर सकते हैं रुबाई,
है ना, शेर रुबाई, रू छोटा, बा और ई, तो ये आ गया आपका अंग्रेजी में, सॉरी उर्दू में। अंग्रेजी में क्या क्या आया, पोयम आ गई, सोनेट आ गई और ओड आ गई, और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं अंग्रेजी में, मेरे को अभी ध्यान नहीं आ रही, पर हाँ ये तीन चार तो पार्ट्स हैं। हिंदी में कविता आ जाती है, दोहे आ जाते हैं, है ना, छंद आ जाते हैं, मुक्तक आ जाते हैं, ये सारे हिंदी पोएट्री की चीज़ें हैं। ठीक है, जो तीन भाषाएं हमारे सामने हैं, जो भाषा बोली जाती है उनकी पोएट्री में। ठीक है, अब गज़ल क्या होती है, हम गज़ल पे बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि पोएट्री की बात की जा रही है तो गज़ल की बात की जाएगी। गज़ल मतलब दो दो लाइन की होती है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए। जैसे गीत होता है ना, गीत में एक स्ट्रक्चर होता है कि गीत का एक स्थाई होगा, अंतरे होंगे, बहुत सारे अंतरे होते हैं, है ना। जैसे एक स्थाई है, दो लाइन का स्थाई है, फिर तीन तीन लाइन के पैराग्राफ्स होते हैं उसमें, लेकिन गज़ल में ऐसा नहीं होता है। गज़ल का स्ट्रक्चर है दो 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 दो, दो दो लाइन जाती हैं उसमें। ठीक है, और गज़ल में सबसे पहली जो दो लाइन होती हैं, इसकी एंड राइम जो होती है वो मिलती है, ठीक है, मैच होती है। अब कुछ टर्मिनोलॉजी जानिए। टर्मिनोलॉजी मतलब कौन कौन से टर्म्स इसमें यूज़ होते हैं, कौन कौन से ऐसे टाइटल्स हैं जिनको हमें जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहला टर्म आप लिखिए काफिया, क्यू डबल ए एफ आई वाई ए, इसे कहते हैं काफिया। हिंदी में अगर इसे लिपि में लिखेंगे, देवनागरी लिपि में लिखेंगे, तो क, क के नीचे नुक्ता, बड़े आ की मात्रा, छोटा फ मतलब छोटी ई की मात्रा फ पे, और या बड़े आ की मात्रा, इसे कहते हैं काफिया। दूसरा शब्द लिखिए रदीफ, र बड़ा दी और फ रदीफ, काफिया और रदीफ। इसका सीधा सीधा मतलब होता है राइम, है ना, जैसे आया जाया माया पाया खाया खोया लाया डाया, ये क्या है, मैं राइम कर रहा हूँ, है ना, आता जाता माता खाता पीता, ये क्या हो रहा है, राइम हो रहा है। ठीक है, तो राइमिंग साउंड्स जो हैं, आ आ आ आ आ का जो साउंड है उसे कहते हैं काफिया, और राइमिंग वर्ड्स, फुल फुल वर्ड जो है उसे कहते हैं रदीफ। तो राइमिंग साउंड तो हो गया काफिया और राइमिंग वर्ड हो गया रदीफ। ठीक है, जिस तरह से दिले नादा तुझे हुआ क्या है, मिर्ज़ा गालिब की एक गज़ल है, उससे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। तो इसमें जो क्या है, ये जो रिपीट ऑफ वर्ड्स हुआ, दोनों में सेम हुआ ना, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। तो क्या है रिपीट हुआ है, ये रिपीटिंग जो वर्ड्स हैं इन्हें कहते हैं रदीफ, और दिले नादा तुझे हुआ क्या है, और आखिर इस दर्द की द वा क्या है। तो आपने देखा कि आ आ का साउंड रिपीट हो रहा है, आ क्या है, है ना, क्योंकि इसमें आगे जो शेर आते हैं वो हैं कि मैं भी मुंह में जबान रखता हूं, काश पूछे कोई मुद्दा क्या है, ये इसका शेर था। दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, मैं भी मुंह में जबान रखता हूं, काश पूछो मुद्दा क्या है। तो मुद्दा क्या है, आ क्या है, तो आ का जो साउंड है वो रिपीट हुआ, तो ये क्या हुआ, काफिया। ठीक है, तो काफिया हो गया, रदीफ हो गया, काफिया मतलब रिजाउंडिंग साउंड, है ना, जो रिजेंबलिंग साउंड, जो वापस साउंड, सेम साउंड मिलता है। रदीफ का क्या मतलब हो गया, जो रिपीटिंग वर्ड्स हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से अब तक क्लियर है सभी को, हैंड रेस करके बता दीजिए किस किस को क्लियर हो रहा है, ऐसे ही हाथ ऊपर कर दो ऐसे जो जो कैमरा ऑन करके मुझे देख रहा है, जो जो कॉपी पेन लेके मेरी बातें नोट कर रहा है और याद रखेगा, उसके अंदर इजाफा हो जाएगा, उसके अंदर बढ़त होगी, डेवलपमेंट होगा, ये मेरा दावा है, है ना, और दावा है, और क्या है, मेरा वादा है, वादा और दावा। आप देख रहे हैं ये वर्ड्स, ये कैसा वर्ड है, ये कि वा दा और दा वा, ये एक साथ जाता है, तो ये मेरा वादा भी है और ये मेरा दावा भी है कि जो मैं बातें बता रहा हूं अगर उन्हें मान ली जान ली तो गारंटी है कि आपके अंदर इजाफा होगा, बढ़त होगी आपकी समझ में, सोच में और संगीत में। ठीक है, तो काफिया और रदीफ हो गया। तीसरा वर्ड आप लिखिए जिसे हम कहेंगे बहर, ब ह र, जिसको हम पढ़ते हैं बहर, लिखते हैं ब ह र, लेकिन पढ़ते हैं बहर, एक ही मात्रा आ जाती है। उसी प्रकार जैसे हम लिखते हैं श ह र, लेकिन पढ़ते हैं शहर, है ना, लिखते हैं न ह र, लेकिन पढ़ते हैं नहर। ये एक चीज़ होती है कि कुछ लिखा अलग जा रहा है लेकिन उसकी डायलेक्ट, उसकी बोलने की तरीका वो ज़रा अलग है। नहर कोई नहीं बोलता है, नहर बोलते हैं कि नहर जा रही है, यानी नदी, है ना। उसी तरह से ब ह र लिखते हैं लेकिन उसका मतलब होता है, उसको पढ़ने का अंदाज होता है बहर,
और बहर मतलब बहरा नहीं होता है, बहर मतलब होता है मीटर, मीटर जैसे पोइट्री में मीटर होता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 जैसे रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम, ये इसकी रिदम थी, ये इसका बहर था। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जकी पार्वती, ये इसका रिदम चल रहा है, एक मीटर चल रहा है इसका, कि इसका फिक्स है, ये छोटा भी नहीं है बड़ा भी नहीं है और एक रिदम में चल रहा है, 7 में नहीं चल रहा 8 में जा रहा है ना। जिस प्रकार से हम अगर पढ़ेंगे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे, तो ये 8-8 का मीटर जा रहा है। या जन गण मन अधिनायक जय हे, है ना, ये भी बराबर का मीटर जा रहा है, 8 का मीटर जा रहा है। तो इसे गानों में मीटर ही तो पता करने होते हैं, है ना। गानों में अगर आप देखोगे तो मीटर अगर नहीं पता है तो ताल नहीं पता है, ताल नहीं पता है तो उसकी चाल नहीं पता है, चाल नहीं पता है तो गाओगे तो अटक जाओगे। गाना गाते अटकते हो ना, कि यहाँ ज़्यादा रुक गए, कहीं ज़्यादा नहीं रुके, कहीं जहाँ रुकना था वहाँ रुके नहीं, जहाँ नहीं रुकना था वहाँ रुक गए, है ना, कहीं ऊँचा चले गए कहीं नीचे आ गए। तो ये जो घुमाव होता रहता है आपके साथ, ये जो तकलीफें होती रहती हैं, वो किस वजह से होती हैं, क्योंकि गाने का मीटर नहीं मालूम है। कहते ना यार, गाना अगर रिकॉर्ड करने जाते तो स्टूडियो वाला कहता है भाई मीटर में रहो ना, मीटर से बाहर जा रहे हो, है ना, कि एक लाइन है, हद है, इतनी है, इतने में ही आनी चाहिए, वो ज़्यादा चली गई, कभी कम पड़ गई, तो वो नहीं होना चाहिए, उसे कहते हैं मीटर। बहर का मतलब होता है मीटर, और बहर का एक और मतलब भी होता है समुद्र, सी, है ना। ये आपकी टर्मिनोलॉजी में नहीं आ रहा है, लेकिन ये इसका मतलब होता है, तो ये जान लेना ज़रूरी है कि बहर का मतलब एक तो समुद्र होता है, लेकिन हमारा यहाँ क्या मतलब है, बहर का मतलब मीटर है। तो अब ये इसको क्यों कहेंगे, ये मीटर जानना क्यों ज़रूरी है, कहीं अगर कोई बोलता है कि छोटी बहर की गज़ल है, तो छोटी बहर की गज़ल मतलब उसका राइम, उसका मीटर छोटा है, जैसे दिले नादा तुझे हुआ क्या है, छोटा सा, छोटी सी लाइन थी, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, छोटा सा है। अब इसी को लंबी बहर की गज़ल बताऊं तो, वो जो हम में तुम में करार था तुम्हें याद हो कि न याद हो, ये एक लाइन हुई है। वो जो हम में तुम में करार था, जो एक करार यानी एक वादा हो गया था, एक अग्रीमेंट हो गया था हमारा तुम्हारा, एक रिश्ता बन गया था, वो तुम्हें याद है कि न याद है वो मुझे मालूम नहीं। वो जो हम में तुम में करार था तुम्हें याद हो कि न याद हो, अब अगली लाइन शुरू होती है, वही यानी वादा निभाह का तुम्हें याद हो कि न याद हो, इसे कहेंगे लंबी बहर की गज़ल, है ना। ये आपने सुनी होगी, बेगम अख्तर की गाई हुई गजल है, आप फरमाइश नहीं कर रहे हैं फिर भी मैं सुना देता हूं क्योंकि देखिए मैं तो कलाकार हूं, मुझे अच्छा लगता है गाना गाना, ठीक है, आप फरमाइश करें करें ना करें, मैं जानता हूं आपको अच्छा लगेगा अगर मैंने सुनाया तो। मोमिन खां मोमिन की गज़ल है, पहले तो मैं ये चीज़ बता दूं, मोमिन खां मोमिन बहुत ही उम्दा शायर हैं, है ना, इनका नाम लिखिए, इनके बारे में आप पढ़िएगा, इनकी चीज़ें पढ़िएगा। वो जो हम में तुम में, वो जो हम में तुम में करार था, करार था तुम्हें याद हो के न याद हो, वो जो हम मैं तुम में, आप सभी ने ये सुना होगा, हमरी अटरिया पे आजा सवरिया देखा देखी तनिक होई जाए, है ना, ये डेढ़ इश्किया मूवी में आपने सुना होगा, जो कि किन्होंने गाया है, रेखा भारद्वाज जी ने गाया है शायद, लेकिन ये ओरिजिनल गाया हुआ बेगम अख्तर का है। बेगम अख्तर ठुमरी की मलिका हैं, उनसे बेहतर ठुमरी किसी ने नहीं गाई, ऐसी ठुमरियां जो उन्होंने गाई हैं, ऐसी दादरा जो वो गाती हैं, ऐसी आज तक कोई पैदा नहीं हुआ है वैसा गाने वाला, ठीक है। तो उनकी गाई हुई ओरिजिनल थी, अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो इस पर बनाया है, कल रिलीज़ होगा, कि ओरिजिनल को जानो, कवर सॉन्ग्स तो हम पसंद करते हैं, वो गाया किसने ओरिजिनल, वहां तक पहुंचो, कॉपी पे नहीं, नकल से नहीं, असल से सीखो, नकल से तो सब सीख जाते हैं, असल से सीखो, है ना, कॉपी नहीं ओरिजिनल को जानो। तो ये ओरिजिनल बेगम अख्तर की है। वो जो हम में तुम में, समझा रहा हूं पूरा बाकायदा आपको गाते गाते, अगर मेरी गायकी पे ध्यान दिया तो समझ जाओगे शब्द क्या कह रहा है। वो जो हम में तुम में करार था
तुम्हें याद हो के न याद हो। वादे की बात की गई है, प्रॉमिस्ड है ना आज। वही याने वादा, वही यानी वादा, निभाह का, निभाने का वादा किया था ना तुमने। वही याने वादा निभाह का, तुम्हें याद हो के न याद हो, वो जो हम में तुम में। तो अब इसका मीटर देखिए कैसा जा रहा है। वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो, वही याने वादा निभाह का, तुम्हें याद हो कि न याद हो। तो जो संगीत के शिष्य हैं वो समझेंगे कि ये सात का बहर है। सात का राइम जा रहा है, तिन तिन्ना धिन्ना धिन्ना, एक दो तीन चार पाँच छः सात, एक दो तीन चार पाँच। वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो, वही याने वादा निभाह का, तुम्हें याद हो कि न याद हो। ये चीज़ पहचानना थोड़ी मुश्किल हो जाती है। हमारे साथ समस्या ये आती है कि यार हम गानों में लय नहीं पहचान पाते हैं, गानों में ताल नहीं पहचान पाते हैं, है ना। और वो इसीलिए नहीं होता है कि तो क्योंकि पहचानी तो वो चीज़ जाती है जिसे हम जानते हैं। जो चीज़ हम जानते ही नहीं उसे पहचानेंगे कैसे, है कि नहीं। आपने कभी, मैं आपको एक नई चीज़ बताऊं, अगर इलेक्ट्रॉनिक टूथब्रश होता है, आपने कभी नहीं सुना हो कि अरे टूथब्रश भी इलेक्ट्रॉनिक भी आते हैं क्या। हमने तो बस यही सुना था कि हाथ लेते हैं यूँ करते हैं, पहले तो हम उंगली से कर लिया करते थे, फिर मालूम चला कि अच्छा टूथब्रश नाम की कोई चीज़ होती है, बाहर विदेश में इन्वेंट हुई है। मालूम चला कि एक डंडा होता है, डंडे पे ब्रश लगे होते हैं, उस पर कुछ पेस्ट डाला जाता है और फिर ऐसे दांत घिसे जाते हैं। तो मालूम चला अच्छा टूथब्रश और पेस्ट कोई चीज़ होती है। फिर एक नया आविष्कार हुआ है कि आपको करना कुछ नहीं पड़ेगा, बस मुँह पे ऐसे खड़े रहो, लेके वो अपने आप ब्रश करेगा। इलेक्ट्रॉनिक टूथब्रश है कि बटन से चलता है, तो ये एक नई चीज़ होगी। तो जब वो चीज़ के बारे में जानोगे तो मैं अगर आपके सामने लाता हूँ कि ये देखो ये चीज़ है, तो पहचानोगे कि ना अरे हाँ ये तो वही है, ये तो वही है जिसके बारे में उन्होंने बताया था। तो मतलब पहले जाना फिर पहचाना। तो अगर तालों के बारे में जानते ही नहीं हो, जानते ही नहीं हो कि रूपक सात मात्रा भी कोई चीज़ होती है, झपताल दस मात्रा भी कोई चीज़ होती है, दादरा छः मात्रा भी कोई चीज़ होती है, आठ मात्रा की कहरवा होती है, तो पहचानोगे कैसे गानों में अगर बज रही होगी। मैंने ये लाइन पढ़ दी अभी, वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो, वही आने वादा निभाह का, तुम्हें याद हो कि न याद हो। तो इसमें मीटर नजर ही नहीं आया आपको। अगर मैंने ये भी पढ़ दिया, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, ये जैसे ही पढ़ा तो सुनते ही मालूम चल जाना चाहिए हाँ ये सात मात्रा चल रही है। श्री श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, तिन तिन्ना धिन्ना धिन्ना, तिन तिन्ना ना तर, तिन तिन्ना धिन्ना तर, तिन तिन्ना धिन्ना धिन्ना ना 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 दर दन दर डर डर ना, है ना। ये समझ आए कि ये तीन, ये सात का मीटर जा रहा है। इसी तरह से मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, दर धा दिन्ना धा तिन्ना धा दिन्ना धा तिन्ना धा दिन्ना धा तिन्ना धा। रिदम पहचानने के लिए पोएट्री में जाना पड़ता है, है ना। हम ये सोचें कि हम धुन से पहचान लेंगे, तो धुन से एक बार में डायरेक्ट मालूम नहीं पड़ेगा। पोएट्री का मीटर देख लीजिए, अपने आप आपको मीटर मालूम चल जाएगा। फिर धुनों से भी मालूम चलता है, वो भी एक तरीका है। तो खैर बहर पे हम चल रहे थे। देखिए आज का जो टॉपिक है ये बहुत वास्ट टॉपिक है, मैं घंटे भर में कवर नहीं कर पाऊंगा, तो थोड़ी थोड़ी कुछ कुछ बातें मैं आपको बता सकता हूँ, झलकी दे सकता हूँ, आज मैं थोड़ा सा ही जिक्र कर पाऊंगा। बाकी मैं कुछ जनों का, कुछ इंसानों का नाम बताऊं, कुछ शख्सियत का जिक्र करूं जो ज़्यादा आपको बता पाएंगे कि बॉलीवुड में पोइट्री क्या होती है। उसमें सबसे टॉप नाम आता है अन्नू कपूर का। अन्नू कपूर जी को आप सुनिए, वो हरफन मौला आदमी है, अजीमुशान शख्सियत हैं, वो बहुत उम्दा जानकारी रखते हैं। उनके आप वीडियोज़ आप देख लीजिएगा, जश्ने रिख्ता पे उनके काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ हैं, मैं तो फ़ैन हूँ उनका, वो कभी मिल गए तो मज़ा आ जाए मुझे, है ना। वो आदमी जितना बॉलीवुड में पोइट्री को जानता है उतना कोई नहीं जानता है। वो सारे शायरों को समझते हैं, सारे जितने गीतकार नगमा निगार हुए हैं हमारे, जो गीतकार हैं, जिन जिन के नाम मैं आपको लिखा देता हूँ, इन लोगों के बारे में भी जानिएगा। पोइट्री इन बॉलीवुड जानना है तो आज की नहीं, पुरानी बॉलीवुड की हिस्ट्री उठानी पड़ेगी। आज वाली बॉलीवुड में पोइट्री नहीं मिलेगी। जो करते हैं उनका नाम ले दिया मैंने, इरशाद कामिल साहब हैं, मनोज मुंतशिर जी हैं, है ना, यही दो चार गिने चुने रह गए हैं जो अच्छी पोइट्री कर रहे हैं। और आप नाम नोट कीजिए, सबसे पहला नाम आता है साहिर लुधियानवी जी का, उम्दा कलाकार। मैंने अभी सुनाया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, या कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, है ना, ये ऐसे गीत उन्होंने लिखे हैं, उनके बारे में जानिए। उसके बाद उन अव्वल दर्जे के एक और गीतकार आते हैं, नगमा निगार आते हैं, जिनका नाम है मजरूह सुल्तानपुरी। मजरूह
सुल्तानपुरी। इनके गीत आप ऑलरेडी सुनते आए हैं, आपको मालूम नहीं है बस। जैसे मैं आपको अभी एग्जांपल देता हूँ, चलिए मजरू सुल्तानपुरी के अगर मैं गानों का नाम लूँ तो आपने बोले हाँ यार ये गाने तो मैंने सुना है ना। आपको मैं बताता हूँ, रफ़ी साहब के साथ, लता जी के साथ इन लोगों ने इतने गाने गाए हैं, तेरी बिंदिया रे, हम बेखुदी में तुम, तेरी आंखों के सिवा इस दुनिया में रखा क्या है, पुकारता चला हूँ मैं, ये रफ़ी साहब का गाना है, ये भी मजरू सुल्तानपुरी का है। फिर तुम बिन जाऊँ कहाँ, दीवाना मुझसा नहीं, चल कहीं दूर निकल जाएं, अच्छा जी मैं हरी चलो हारी चलो, ओ हसीना जुल्फों वाली, ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां, ये भी उन्हीं का लिखा हुआ है। क्या हुआ तेरा वादा, प्रॉमिस डे है ना, तो क्या हुआ तेरा वादा, ये इनका लिखा हुआ है। तो इतने फेमस गाने है ना, ये सारे इन्हीं के लिखे हुए हैं। इनके बारे में अगर आप जानते हैं मजरू सुल्तानपुरी के बारे में तो आपको मज़ा आ जाएगा। साहिर लुधियानवी हैं, इनके बारे में पढ़िए आप। और शकील बदायूनी, ये तो खैर शायर रहे हैं, जिनको आपने वो सुनी होगी आपने कि ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, ऐ मोहब्बत ऐ मोहब्बत, यूं तो हर शाम उम्मीदों में गुजर जाती थी, यूं तो हर शाम उम्मीदों में गुजर जाती थी, जाने क्या बात जो इस शाम पे रोना आया, मोहब्बत। ये भी बेगम अख्तर साहिबा की गाई हुई है, बहुत उम्दा इनकी ये गज़ल है, है ना, ये सुनिएगा। तो इस तरह की पोइट्री अगर आप जानते हैं, ऐसे नगमा नगारों को, ऐसे गीतकारों को अगर आप पढ़ते हैं तो बात बनती है पोइट्री की यार, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, आज की बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी पोइट्री है। जैसे मैंने अभी हाल ही में एक गाने का ब्रेक डाउन किया था, तुम्हें मोहब्बत है, इरशाद कामिल साहब की लिखी हुई ये नज़्म, अभी जो लेटेस्ट मूवी आई है ये अतरंगी रे, है ना, अक्षय कुमार भी उसमें हैं, उसमें सारा अली खान उनमें उन्होंने अभिनय किया है, अतरंगी रे, अरिजीत सिंह का गाना गाया हुआ है। तो ये नज़्म देखिए, ये गाना भी कितना प्यारा जाता है, इसकी इसकी भी पोएट्री आप देखिए। तेरी आंखों में झांकने वाला, तेरे होंठों पे कांपने वाला, तेरी बातों में बोलने वाला, बाल रातों में खोलने वाला, गर्म सांसों में घुल रहा है जो, वो अकेले में मिल रहा है जो, गर्म सांसों में घुल रहा है जो, वो अकेले में मिल रहा है जो, ख्वाब में आके प्यार करता है, ख्वाब में आके प्यार करता है, रो सो बार तुम पे मरता है, ख्वाब में आके प्यार करता है, रो सो बार तुम पे मरता है, है ना। ऐसे ही अब आगे की पूरी कॉम्पोजिशन मुझे याद नहीं है, पर हाँ इस तरह से, पर देखिए पोएट्री है इसमें, है ना। तो क्या क्या मैंने वर्ड्स लिखा रहा था, बहर हो गया, काफिया हो गया, रदीफ हो गया, फिर आता है एक वर्ड आप नोट कीजिए, तखल्लुस, त ख त लिखिए, फिर ख लिखिए, उसके नीचे नुक्ता लगा दीजिए। जैसे कि हम बोलते हैं ना खुशी, खुशी एक शब्द है जिसमें कि ख ख ख, खराबी, खराश, है ना, ये जो ख आप देख रहे हैं, ये जो साउंड आ रहा है जैसे खराश हो जाती गले में, है ना, कुछ कुछ खर 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 कर रहा है जो, वो नुक्ता जिसे कहते हैं, है ना। तो खुशी में लगता है, खराबी में लगता है ना, खरगोश में लगता है, बतख में लगता है, इन सब में ये नुक्ते लगते हैं। इन नुक्तों पे मैं चर्चा करूँगा किसी और दिन, आज तो वैसे खैर बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है तो अब इतना नहीं बता पाऊँगा मैं, है ना। लेकिन हाँ कुछ वीडियोस का जिक्र कर दूंगा, वहाँ से आप ये सब चीज़ें सीख लीजिएगा, रोज़मर्रा के हमारे ये शब्द हैं जिनको हम गलत बोलते हैं। तो तखल्लुस, त ख, आधा ल, पूरा ल, छोटे उ की मात्रा और स, तो ये हो गया तखल्लुस। तखल्लुस का मतलब होता है पेन नेम।
अलग अलग राइटर्स के पेन नेम होते हैं, सूडोनेम भी कहते हैं जिसे। सूडोनेम का मतलब उस नाम से, उस झूठे नाम से जो लिखते हैं, है ना, जो उनका ओरिजिनल नाम नहीं है। जैसे मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब, ये इनका पूरा नाम था, असदुल्लाह खां असदुल्लाह मिर्ज़ा गालिब, है ना, ये इनका बहुत लंबा चौड़ा नाम था। तो इसमें इनका जो पेन नेम है वो गालिब है, आपने अक्सर सुना होगा। हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां और, कि उनका कहने का, उनका स्टाइल जो है लिखने का वो अलग ही है अपना, उनका बयां करने का अंदाज़, एक्सप्रेस करने का वे जो है वो सबसे अलग है, अलहदा है, डिफरेंट है। वरना सुखनवर यानी पोएट बहुत हैं इस दुनिया में, है ना, पर गालिब का अंदाज़ अलग है। गालिब का नाम आता है तो अरे यार क्या लिखा है ना। तो गालिब तो खैर बहुत अव्वल दर्जे के शायर हो जाते हैं, उनको पढ़ना, उनको सीखने के लिए भी इल्म ज़रूरी है, ज्ञान ज़रूरी है। पर मैं आपको कुछ बेसिक जो आपको आसान भाषा में समझ आ जाए, ऐसे कुछ शायरों के नाम लिखा रहा हूँ, उनको पढ़िएगा। सबसे पहले लिखिए निदा फाजली, इन्होंने बॉलीवुड में भी खूब लिखा है, आपने सुनी होगी, होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज़ है, इनकी लिखी हुई है, है ना। तो निदा फाजली इनको पढ़िएगा। फिर आप पढ़िए वसीम बरेलवी को, है ना, वसीम बरेलवी है क्या, आपने वो सुनी होगी, आपको देख कर देखता रह गया, आपको देख कर देखता रह गया, क्या कहूँ क्या कहूँ और कहने को क्या रह गया, आपको देख कर देखता रह गया। और शेर मुलाहिजा फरमाइएगा, झूठ वाले कहीं से कहीं बढ़ गए, झूठ वाले कहीं से कहीं बढ़ गए, झूठ वाले कहीं से कहीं बढ़ गए, और मैं था कि सच बोलता रह गया, और मैं था कि सच बोलता रह गया, क्या कहूँ क्या कहूँ और कहने को क्या रह गया, आते आते मेरा नाम सा रह गया। एक और शेर सुनिए, बहुत प्यारा है इसका, आंधियों के इरादे तो अच्छे न थे, आंधियों के इरादे तो अच्छे न थे, आंधियों के इरादे तो अच्छे न थे, ये दिया कैसे जलता हुआ रह गया, ये दिया कैसे जलता हुआ रह गया, क्या कहूँ क्या कहूँ और कहने को क्या रह गया, आते आते मेरा नाम सा रह गया, है ना। तो ऐसी कुछ गज़लें हैं, ऐसे कुछ शायर हैं, जैसे अभी चैट बॉक्स में भी लोग लिख रहे थे, बशीर बद्र बहुत उम्दा, बहुत अव्वल दर्जे के शायर हैं ये। तो शायर तो क्या, उस्ताद कहना चाहिए इन लोगों को, क्योंकि ज़िंदगी की ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी ऐसी नसीहतें ये लोग दे जाते हैं पोइट्री में। दिस इज़ पोएट्री जो मैंने अभी आपको सुनाई, वो नहीं कि शीशी भरी गुलाब की, वो नहीं, वो पोएट्री नहीं है, ये पोएट्री जिसमें ज़िंदगी का ज्ञान दिया गया, कि झूठ वाले कहीं से कहीं बढ़ गए, मैं था कि सच बोलता रह गया, सच की कोई अहमियत नहीं हो गई यहाँ पे, हैं सच तो मोलों के कौड़ियों के भाव बिक गया। तो इस तरह से इन चीज़ों को समझिए, कि अच्छी पोइट्री को समझेंगे तो अच्छा बॉलीवुड के गाने भी आप समझेंगे, है ना। ये नहीं कि आप, जैसे मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बोल के भी नाम लूँगा, क्योंकि वो लोग हैं जो ऐसा गाना लिख रहे हैं। अगर आप बी प्राक के, जानी के, इन लोगों के गाने सुनते हैं, तो वो लोग ऐसी बातें लिखते हैं कि भाई बस शख्स बदलते रहते हैं और बिस्तर वही रहता है, ऐसी चीज़ें लिखते हैं पोइट्री में ये। तो मेरे ख्याल से ये जो डिमीनिंग है या अपमानजनक बातें हैं, ये पोइट्री में नहीं होती है, और अगर होती हैं तो उसे पोइट्री नहीं कहते हैं, है ना। बयां है, एक्सप्रेशन है, मैं अगर रदीफ काफिया मिला दूं, राइम मिला दूं, तो कुछ भी लिख दूं अभी, तो मैं राइम में अगर बोलने जाऊं तो हर वाक्य राइम में बोल सकता हूं, पर उसका मतलब पोइट्री नहीं हो जाएगी ना, कि मीटर हो गया, राइम हो गया, तो क्या पोइट्री हो गई, नहीं। पोइट्री में फलसफा, फिलासफी, ज्ञान होना चाहिए, कुछ तथ्य होना चाहिए, कुछ ऐसी बातें जो नसीहतें हैं, तजर्बा, अनुभव कहता हूं आपका, है ना, जो ये बातें मैंने अभी बताई इसमें, ठीक है। तो वादा, प्रॉमिस्ड है, तो दो तीन चीज़ें हैं जो वादे पे बोल के जाता हूँ मैं, आखिरी एंड करूँगा इस सेशन को, उससे पहले वादे पे कुछ चीज़ें मैं बोलूँगा। सबसे पहले मुझे वादा बोलता हूँ तो पता नहीं क्यों मुझे एक ही गज़ल ध्यान आती है, सबसे पहले दाग दहलवी की,
ये रफी साहब ने भी गाई है, लेकिन मैं वो वाला वर्जन नहीं, मैं मेहदी हसन साहब का वर्जन गा रहा हूँ, मेहदी हसन साहब की जो कॉम्पोजिशन है। गजब की गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया। एतबार कहते हैं भरोसे को, यकीन। तो गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया। तमाम रात कयामत का इंतजार किया। तमाम रात, पूरी रात, सारी रात कयामत का इंतजार किया कि कब तुम आओ। वही हमारे लिए कयामत हो जाना होगा कि सब कुछ अब खत्म हुआ, बस कि बस तुम आ गए, अब हो गया पूरा, संपूर्ण कंप्लीट हुआ। तो इंतजार ही करते रह गए हम तो, आप तो आए नहीं। तो वादे हैं, वादे अब कब निभते हैं, कौन पूरा करता है, वो तो उन्हीं पर है। अब देखते हैं, आज बहुत जने होंगे जो आज के दिन वादे करेंगे, पर निभाने वालों का है कि निभता है कि नहीं। गजब किया। और ये शेर देखिए, ये शेर उन लोगों पे लागू होता है जो वादों पे एतबार कर बैठते हैं। आज बहुत से लोग होंगे जो प्रॉमिस करेंगे, लेकिन जो दूसरी पार्टी है वो यकीन किस तरह से करती है, उस पर देखिए दाग साहब क्या कहते हैं। ये दिल को ताब कहाँ है। ताब, ताब कहते हैं आग को, गर्मी को। तो ये दिल को ताब कहाँ है कि हो मालंदेश। मौल अंदेश, मौल अंदेश कहते हैं कन्फर्मेशन को, कि इसको कन्फर्म कर लूं जो तुमने वादा किया है इसको, कि ये होगा कि नहीं होगा, इसका पूरा यू नो कच्चा चिट्टा ले लूं, मैं लिखा लूं तुमसे कि ये करोगे। तो इतना कहां दिल को ताब है, इतना कहां सब्र है, है ना। ये दिल को ताब कहां है कि हो मालंदेश। उन्होंने वादा किया हमने एतबार किया, कि उन्होंने वादा किया हमने एतबार कर लिया, तुरंत यकीन कर लिया। इतना नहीं था सब्र, इतना नहीं ताब था कि यार कंफर्म करते कि ये चीज पूरी होगी कि नहीं होगी, है ना। और ये शेर इतना प्यारा है, वादे पर नहीं है, पर आप ये शेर देखिएगा, अगर जो समझेगा इसको, उसका जहन बोलेगा, उसका एक्सपीरियंस बोलेगा। न पूछ दिल की हकीकत मगर ये कहते हैं, कि दिल की हकीकत मत पूछना हमसे, लेकिन ये बात जरूर कहेंगे। न पूछ दिल की हकीकत मगर ये कहते हैं, वो बेकरार रहे जिसने बेकरार किया। कि वो बेकरार रहे, बेकरार यानी बेचैन हो जाए, उसका भी करार, उसका भी सुकून छिन जाए जिसने हमें बेकरार कर दिया है। लेकिन शायर ने पहले ही लफ्ज में रिडीम कर लिया था अपने आप को कि दिल की हकीकत मत पूछना, क्योंकि हकीकत ये नहीं है। जो वाकई किसी को इस कदर चाहता है ना, उसके दिल से कभी बद्दुआ निकल ही नहीं सकती। भले ही सामने वाला कितना ही बेवफा हो जाए, कितना ही वादे से मुकर जाए, उसके दिल से बद्दुआ नहीं निकलेगी। वो ये कभी नहीं कहेगा कि जा तू भी बेकरार रहे, जा तेरा भी सुकून, तेरा भी चैन छिन जाए, वो कभी कह ही नहीं सकता। तो यही शेर है कि न पूछ दिल की हकीकत मत पूछ, मगर ये कहते हैं वो बेकरार रहे जिसने बेकरार किया। तो ये शेर था। खैर, ये पूरी गज़लें ये सारी सुनिएगा, जिन शायरों के नाम बताएं वो देखिएगा, और उर्दू की जो टर्मिनोलॉजी मैं थोड़ी बहुत बता पाया आज उसको देखिएगा। तो तब तक के लिए शब खैर, शब खैर यानी शुभ रात्रि। मिलते हैं सभी से, अलविदा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग सर। जी, शुक्रिया।